को अडानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में अमेरिका की हिंडनबर्ग कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का टाइटल था, दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी किस तरह कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कर रहा है। ऐसे में अब हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि ये हिंडनबर्ग है क्या, ये कंपनी करती क्या है, इसका मालिक कौन है, ये रिपोर्ट उसने क्यों जारी की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ तनवीर खान और आपका स्वागत है अखबार जगत न्यूज। आज हम आपको बताने वाले हैं अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में। नॉथन एंडरसन नाम का एक शख्स अमेरिका के कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस विषय में ग्रेजुएशन पूरी करता है। इसके बाद वह नौकरी की तलाश करने लगता है। जल्द ही उसे एक डेटा रिसर्च कंपनी में नौकरी मिल जाती है। यहाँ उसका काम पैसों के इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से जुड़ा होता है। नौकरी करते हुए एंडरसन बारीकियों को समझता है। उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि शेयर मार्केट दुनिया के पूंजीपतियों का सबसे बड़ा अड्डा है। इसमें काफी कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोगों की समझ से बाहर है। इसी वजह से एंडरसन के दिमाग में फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी शुरू करने का आइडिया आया। इसका रिजल्ट 2017 में दिखा, जब एंडरसन ने हिंडनबर्ग नाम से इस कंपनी की शुरुआत की। क्या करती है हिंडनबर्ग कंपनी, क्या है इसके काम, चलिए आपको बताते हैं कि कंपनी के मुख्य काम क्या है। पहला काम, क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरह से पैसों की हेरा फेरी हो रही है। दूसरा काम, कहीं बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही। तीसरा काम, कोई कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयर को बैट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा जी। इस तरह अपनी रिसर्च पूरी करने के बाद हिंडनबर्ग कंपनी एक डिटेल में रिपोर्ट पब्लिश करती है। पहले कई मौकों पर इस कंपनी की रिपोर्ट का दुनिया भर के शेयर मार्केट पर असर देखने को मिला है। अब इस कड़ी में हिंडनबर्ग ने अडानी कंपनी को लेकर अपनी रिपोर्ट में तीन बड़े आरोप लगाए हैं, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयर में गिरावट आई। आपको बताते हैं कि वे आरोप कौन से हैं जो हिंडनबर्ग ने अडानी कंपनी पर लगाए। पहला आरोप है, अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयर की कीमत उसी सेक्टर में बिजनेस करने वाली दूसरी कंपनियों की तुलना में 85% तक ज्यादा है। दरअसल शेयर की कीमत उस कंपनी को होने वाले मुनाफे से तय होती है। बाजार अनुमान लगाता है कि किस कंपनी की होने वाले मुनाफे के मुकाबले उस कंपनी के शेयर की कीमत कितनी ज्यादा होगी। इसे प्राइस अर्निंग रेशियो कहते हैं। अडानी की कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो दूसरी कंपनियों से काफी ज्यादा है। दूसरा आरोप, अडानी ग्रुप ने शेयर मार्केट में हेरा फेरी करके अपने शेयर्स की कीमत बढ़वाई है। अडानी ने मॉरिशियस और दूसरे देश की कंपनियों में पैसे लगाए। उन कंपनियों ने बाद में अडानी ग्रुप की कंपनी से शेयर्स खरीदे। इस तरह विदेशी कंपनी के शेयर खरीदने से अडानी की कंपनी में लोगों का भरोसा बढ़ता है। इससे शेयर की मांग बढ़ती है और मांग बढ़ते ही शेयर्स की कीमत भी बढ़ती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी के भाई विनोद दुबई में बैठकर यही काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में विनोद अडानी से जुड़ी 38 कंपनियों का भी जिक्र कर चुका है। तीसरा आरोप, अडानी ग्रुप पर 2.20 लाख करोड़ से ज्यादा का भारी कर्ज है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कंपनियों ने अपनी हैसियत से ज्यादा कर्ज ले रखा है। अडानी ग्रुप की कई कंपनियों ने तो अपने शेयर्स तक गिरवी रख कर कर्ज लिया है। अडानी ने बीते दिनों ACC और अंबुजा कंपनी खरीदने के लिए भी कर्ज लिया था। ऐसे में बैंकों के पास वसूलने के लिए अडानी के शेयर्स के अलावा और कुछ भी नहीं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप में भारी नुकसान को देखते हुए अपनी ओर से सफाई दी गई है। 26 जनवरी को अडानी ग्रुप ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट गलत सूचनाओं और फैक्ट्स के आधार पर तैयार की गई है। इसके जारी होने के बाद हमारे शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर के सेंटिमेंट पर गलत असर हुआ है। ऐसे में हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं हिंडनबर्ग ने दोबारा तर्क देते हुए कहा कि अडानी समूह ने जितने भी सवालों के जवाब दिए वे बड़े पैमाने पर निष्कर्षों की पुष्टि नहीं करते हैं। सवालों से बचने की
कोशिश की गई। हिंडनबर्ग ने कहा कि राष्ट्रवाद की आड़ में धोखे से नहीं बचा जा सकता। 2020 में इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली अमेरिकी कंपनी निकोला के शेयर्स की कीमत तेजी से बढ़ रही थी, तभी सितंबर महीने में निकोला कंपनी को लेकर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद इस कंपनी के शेयर्स 80% तक टूट गए थे। अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि निकोला ने अपनी कंपनी और गाड़ियों के बारे में निवेशकों को गलत जानकारी दी थी। खबर सामने आते ही अमेरिका के सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन ने निकोला के मालिक के खिलाफ फ्रॉड का अपराधी मुकदमा चलाया। अब ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि हिंडनबर्ग के आरोप सच हैं या फिर अडानी ग्रुप के दावे सही हैं। जब तक के लिए बने रहिए अखबार जगत न्यूज के साथ, और अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।